स्वागत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईस्टर्न इंडिया के टॉप कॉलेज के बारे में, जो कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं IHM कोलकाता के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो फैसिलिटीज़ IHM कोलकाता हमें प्रोवाइड करता है। तो फैसिलिटीज़ के अंदर आपको यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल का ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, इस तरह की सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर आपको एक कैफेटेरिया या कैंटीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स डाइनिंग हॉल भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर कि आप लोग लाइब्रेरी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल्स भी हैं, वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। हॉस्टल्स जो होंगे वो आपको ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस तरह से भी आपको स्टे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लगने वाली फ़ीस के बारे में, जो कि हमें पे करनी पड़ती है। तो अगर मैं कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ, तो BSc के अंदर यहाँ पर आपको 1 ईयर की फ़ीस, यानी कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको टोटल 1,10,000 के करीब पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं टोटल फ़ीस की बात करूँ, तो टोटल फ़ीस आपका यहाँ पर 3.3 लाख के करीब आपको पड़ सकता है। ये थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, 3.4 लाख भी हो सकता है 2023 के अंदर में। वहीं अगर मैं MSc की बात करूं, जो कि 2 साल का होगा यहां पर, उसके अंदर आपको 2 लाख के करीब पे करने पड़ेंगे, 2 लाख से लेके 2,20,000 तक। वहीं अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, तो डिप्लोमा आपको 1.5 ईयर का देखने को मिल जाएगा, और डिप्लोमा के अंदर आपको 95,000 से लेके 1 लाख के करीब पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके लिए आपको 70,000 से लेके 80,000 तक पे करने पड़ जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ के स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं बैकवर्ड क्लासेस को। जैसे कि मैं बात करूँ, जो SC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम है, जो कि प्रोवाइड की जाती है SC स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, वो है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है ये ओपन फॉर ऑल है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसको ये स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि जिसके अंदर भी है दम, वो ले सकता है स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलती है। अदर IHMs की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आपको IHM चेन्नई के अंदर भी मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, और सेम टू सेम कोलकाता में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आफ्टर ऑल ये ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दी जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्लासरूम्स जो होंगे वो बहुत ही ह्यूज हैं, बहुत ही बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं, और साथ ही में यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत ही बड़ी है, जहाँ पर कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी जो नॉलेज का बेस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंप्यूटर लैब्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेस है, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। ऑडिटोरियम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रंट ऑफिस लैब्स हैं यहाँ के अंदर, रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कैफेटेरिया की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही में यहाँ पर हॉस्टल, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी IHM कोलकाता वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, फाइनली 3 साल कंप्लीट करने के बाद जो हमें यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो यहाँ के प्लेसमेंट्स को देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट्स जो होंगी यहाँ पे वो बहुत ही ब्रिलियंट है। यहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 100% का रहता है। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करूँ, तो वो 3.6 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो भी एवरेज स्टूडेंट भी होगा वो 3,60,000 से लेके 4,50,000 तक आराम से पैकेज ले सकता है। साथ ही मैं यहाँ पे लोएस्ट पैकेज की बात करूँ, तो वो 2.4 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में रह सकता है।
और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5.5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं दोस्तों, उनको बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये कैटेगरी यानी कि हाईएस्ट जो पैकेज है उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको बताया 5.5 लाख से लेकर 6.5 लाख के बीच में, तो जो भी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक कर लेते हैं होटल चेन्स के अंदर में, उनको 6.5 लाख तक सैलरी ऑफर की जाती है। चलिए दोस्तों, ये सारी सुविधाएं और फैसिलिटीज़ जानने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो अगर आपकी रैंक इन रैंक्स के आसपास है तो आप IHM कोलकाता में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको एक कॉलेज मिल जाता है तो आप बेझिझक इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के टॉप 5 या टॉप 6 के अंदर ज़रूर रहता है ये कॉलेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं यहाँ की बेस्ट से भी बेस्ट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि IHM कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो यहाँ की क्लासेस की बात कर लेता हूँ। यहाँ की जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट क्लासेस हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो यूज़ हो सकती हैं इंडिया के अंदर में वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं क्लासरूम्स के अंदर में, और जो टीचर्स हैं वो इनका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, समझाते हैं चीज़ों को। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो यहाँ की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जो होगी वो हर वीकली यहाँ पे अपडेशंस होते रहते हैं। यहाँ पर जो मैगजीन्स आती हैं लेटेस्ट, और भी जो लेटेस्ट चीज़ें हर वीकली जो भी चीज़ें पब्लिश होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर नॉलेज बेस जो है होगा वो आप करेंटली जो भी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चल रही हैं उससे आप अपडेटेड रह सकते हैं। साथ ही में यहाँ का जो हॉस्टल है दोस्तों, वहाँ पे आपको जिम भी देखने को मिलेगा, तो फिटनेस भी आप पूरी तरह से अपनी डेवलप कर सकते हैं IHM कोलकाता के हॉस्टल्स के अंदर। हॉस्टल्स के अंदर जिम के साथ साथ आपको वॉशिंग मशीन्स की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि कपड़े धोने का भी कोई झंझट आपको रहेगा नहीं, आप ये वॉशिंग मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं हॉस्टल्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो वाईफाई की फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये वाईफाई की फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो फैकल्टीज़ के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप किसी फैकल्टी से थोड़े अच्छी तरह से पूछेंगे और अप्रोच करेंगे तो शायद आपको वो पासवर्ड शेयर कर देंगे, तो आप वाईफाई की फैसिलिटीज़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं तो IHM कोलकाता के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है, साथ ही में यहाँ पर जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत कमाल के हैं, टीचर्स कमाल के हैं, यहाँ पर जो हॉस्टल है वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रेनी हैं वो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं, यानी कि आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, और साथ ही में यहाँ पर जो फीस है वो भी काफ़ी दूसरे IHMs के कंपैरिजन में आपको थोड़ी कम पे करनी पड़ती है। तो ऑल इन ऑल ये कॉलेज बहुत ही बढ़िया रहता है, जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन इसके अंदर होता है वो इस कॉलेज को बेझिझक ले सकता है और अपने जो भी बेनिफिट्स हैं वो निकाल सकता है इस कॉलेज के थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।